आज का टॉपिक है बिजली और मकनातीसियत, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तमाम मादी अशिया बहुत ही छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हैं, जिन्हें जवाहर या एटम्स कहा जाता है। जौहर या एटम मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है। दी गई शक्ल जवाहर यानी एटम की साख्त को बयान कर रही है कि प्रोटॉन्स पर मस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जौहर के मरकजी हिस्सा यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर मनफी चार्ज होता है और ये मरकजा के गिर्द मुख्तलिफ रास्तों पर गर्दिश करते हैं। ये रास्ते मदार यानी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट की। कॉपर, एलुमिनियम और सिल्वर से बनी हुई अशिया के मवाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम तक हरकत कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का बहाव एक सिमत में करने के लिए एक कुव्वत की ज़रूरत होती है। ये कुव्वत एक बैटरी के ज़रिए मुहैया की जाती है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट या बिजली कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैटरी के सिरों को एक धाती तार के ज़रिए जोड़ने से तार में बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट का बहाव बनता है, जो कि बल्ब को रोशन कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी रो को मापने वाला आला एमीटर कहलाता है। मज़ीद वीडियोस के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.pen.org.pk।